बारिश का मौसम है, ऐसे में भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया। तो आज मैं आप लोगों के लिए भुट्टा छल्ली की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने बाज़ार में बहुत लोगों को खाते हुए देखा होगा और आपने खाया भी होगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो वही भुट्टा छल्ली मार्केट में मिलने वाला हम घर पर बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रश्मि की रसोई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 भुट्टे लिए हैं और इसका छिलका निकाल कर साफ कर लिए हैं। आपको भी इसी तरह से स्वीट कॉर्न ले लेना है। इसे हम चाकू की मदद से 2 भागों में कर लिए हैं क्योंकि इसे हमें कुकर के अंदर बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे भुट्टे को कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ आपको उतना ही डालना है जितना में भुट्टे डूब जाए। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे, अच्छे से मिला देते हैं। अब यहाँ देखिए लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेना है। आप देख सकते हैं सीटी आ रही है। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ बंद कर दिया है और ये ठंडा हो चुका है, और देखिए इसमें पानी भी कम हो गया है और भुट्टा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये अभी काफ़ी गर्म है, आप इसे हाथों से छू नहीं सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक नींबू कट कर लिया है, यहाँ पर लिया है चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, और मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। अब इस मसालों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, चिली फ्लेक्स, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च ना डालें, यानी कि चिली फ्लेक्स ना डालें। अब इधर भुट्टा भी हल्का ठंडा हो चुका है। कटा हुआ नींबू लेंगे और थोड़ा सा इसे दबा देंगे ताकि नींबू में रस ऊपर तक आ जाए। इस तरह से करना है आपको। फिर मसालों में लेकर भुट्टे में कोट कर लेंगे चारों तरफ से, जिससे कि अच्छी तरह से मसाला भुट्टों में लग जाए। ऐसे में खाने में भुट्टे में नींबू का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। भुट्टा खाना सेहत के लिए ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी है। जब भी भुट्टा का मौसम आए तो भुट्टा छल्ली ज़रूर बनाइएगा। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा, मसालेदार भुट्टा छल्ली बनकर रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों कैसी लगी रेसिपी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।